हिमाचल प्रदेश में साल 2023 में आई आपदा ने कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों के आशियाने टूटे, हजारों की संख्या में जिंदगियां इस दौरान खतरे में भी देखी गईं, कई लोगों ने इस आपदा में जान भी गंवाई। लेकिन क्या इस बार इस आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन तैयार है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोलन के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कोयड़ी कुम्हारहट्टी में पिछली बरसात में सड़क ढहकर नदी में बह गई थी, जिसके बाद नई सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन मलबा आने की वजह से पिछले एक साल से नदी बंद पड़ी है और एक विशालकाय तालाब का रूप ले चुकी है, जो कि आने वाले दिनों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके आसपास के क्षेत्र के लोग सहमे पड़े हैं क्योंकि यदि जल स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो नदी के पानी की निकासी नदी के रास्ते से नहीं हुई तो घरों को भी नुकसान हो सकता है। लोगों के खेत दलदल बन चुके हैं, जमीन लगातार खिसकती जा रही है और अब लोगों के घरों को भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह खुद मौके का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन समस्या आज भी वैसी ही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर एक बारिश और होती है तो यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ जाएगा और मलबा टूटने की वजह से 10 से 12 गाँव इसकी चपेट में आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सर पिछले साल ये फ्लड आया था, ऊपर से बहुत पहाड़ी नदी बंद हो गई थी, जिस कारण बहुत गांव को खतरा हो गया था। फिर थोड़ा सा बीच में खुलवाई हम लोगों ने मिलके पीछे, अब मतलब इतना खतरा है इस नदी का कि नीचे कई गांव को नहीं बैठेगा। आज तो आज बिल्कुल बंद हो चुकी है, बरसात का मौसम, पहाड़ पानी बहुत बड़ा स्तर खड़ा हो गया है, इससे निचले गाँव को बहुत, जैसे नीचे झल्लेआड़ भाटी है, झल्लेआड़ है, सिन्ही शेरी है, ताला है, इन गाँव को बहुत खतरा हो चुका है और बरसात बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ये बिल्कुल बंद हो चुकी है नदी, जबकि आने जाने सभी गांव खतरा। हमने पहले प्रशासन ने कोई बोला, पिछले साल प्रशासन ने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके भाग गए, अब ये बहुत गांव का खतरा, आज आज बिल्कुल ही बंद हो चुकी है नदी, आज फिर चला वाला, आज चला वाला सा, और बिल्कुल पानी बंद हो चुका है नीचे जाने से। आज बरसात की नदी पड़ी है, अगर एक तो बारिश पड़ गई तो हमारा पूरे गाँव को खतरा है, इसलिए प्रशासन। कितने गाँव होंगे, कितने लोग? 15-20 गाँव, 10-15 गाँव, इधर नीचे सल्लेआड़ गाँव तक इसका खतरा है, शेरी निचली सल्लेआड़ गाँव तक, अगर ये टूटा तो गाँव खतरा। और पिछले साल जो ये बरसात चली थी तो उसमें ये लाशा पड़ा था, तो बीच में हमने प्रशासन को बोला तो उन्होंने थोड़ा इसको खोल लिया, और आज फिर वही कंडीशन में है कि ये लाशा दोबारा चल पड़ा है और पानी जो बंद हो चुका है। अगर बारिश आती है तो नीचे वाले जितने गांव हैं यहाँ से लेके सल्ले सरसे तक, उन सब गाँव को खतरा है, और हम प्रशासन से ही वो करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और इस खतरे को जो कोई ना कोई समस्या का हल निकाला जाए। ये मेरा घर है जी, जमीन है, ये एक साल से यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ दलराम सेंट्रल जी भी आए, विक्रमदित्य जी आए, थोड़ा ही बीच में अब अपने आप थोड़ा हमने ये कराया था जी, आज बिल्कुल ही बंद हो गया। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब प्रशासन से यही मांग है कि मेरे घर को भी खतरा है, जमीन तो है ही है जो एक साल से परेशान बैठा है। तो लगभग कितने गांव होंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे? यहाँ सल्लेआड़ तक जी, यहाँ शेरी हो गया, सल्लेआड़ हो गया, ताला है जी, इससे नीचे सारे गांव को खतरा है जी नीचे। वहीं जब इस बारे में एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंघल से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया है, जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभाग को पानी की निकासी के लिए आवश्यक आदेश दिए जाएंगे ताकि पिछले साल की तरह इस बार आपदा में कोई नुकसान देखने को न मिल सके। बता दें कि पिछली बार सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र का साई गांव पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण अलर्ट पर आ चुका था, इसको लेकर प्रशासन ने उस गांव को खाली करवाया और आज वो गांव वीरान पड़ा है। ऐसे में इस बार इस तरह की स्थिति न हो, इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।